हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अनीताज किचन एंड ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ। तो वापस से मैं आज आपके लिए ब्लॉग की वीडियो लेके आई हूँ, जो मतलब कहाँ तक हमारे मकान है वो बनके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए आपको कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मकान तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ब्लॉग वहाँ पे मैंने अपलोड भी कर दिया था कि मकान मतलब छत पड़नी बाकी है। तो अभी छत का मतलब स्टार्ट हो चुका है काम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए ये जो प्लेटें आ गई हैं ये पिकअप से आ गई हैं, और सभी यहाँ पे जो हमारे मिस्त्री साहब हैं और सब आए हैं, क्योंकि ये दो तीन दिन के बीच में इन्होंने छुट्टियाँ कर ली थी, तो आज इन्होंने दो तीन दिन के बाद में काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए सभी घर वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, और आप देख पा रहे होंगे ये जो गाटर हैं, पहले इन गाटरों को लगाएंगे, उसके बाद में ये सेटरिंग का काम होगा यहाँ पे, और प्लेटें लगेंगी। तो यहाँ पे है ना, लेंटर डलने से पहले क्या होता है, प्लेटें लगती हैं और प्लेटों को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया जाता है, और बीच में जो खाली जगह होती है उसको भरा जाता है, उसके बाद में लेंटर डाला जाता है। तो लगभग सेटिंग लगने में भी 2 से 3 दिन लग ही जाएंगे। तो ये देखिए सभी मतलब घर वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी मिस्त्री और जो मजदूर हैं वो सभी यहाँ पे अपना काम करने में व्यस्त हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम अंदर का वीडियो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए मिस्त्री और सभी आपको हाय भी बोल रहे हैं, और जो गाटरी हैं उनको कमरे के अंदर छोड़ छोड़ के आ रहे हैं सभी यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो गाटरे हैं वो इन्होंने सेट कर दी है, आप देख पा रहे होंगे, और ये जो प्लेटें भी इन्होंने सेट कर दी, कुछ इस तरीके से प्लेटें सेट की जाती है, ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू हम आपको दिखा देते हैं, इस तरीके के लोकेशन है हमारी, जो मैं आपको बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ पहले की वीडियो में भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये लेंटर डलने का स्टार्ट हो चुका है काम, और अभी ये प्लेटें सेटरिंग लग रही हैं पूरे मतलब घर को, ऊपर से मतलब छत होती है ना, वो डालने से पहले सेटरिंग तैयार करनी पड़ती है, इसके ऊपर है वो सीमेंट का और बजरी का आदि चीज़ों का मतलब घोल पड़ेगा, उसी को लेंटर बोलते हैं। इससे पहले यहाँ पर सरिया भी लगेगा, वो वीडियो भी आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्लेटें सेट कर रहे हैं मिस्त्री, और इसको भी बहुत करना मतलब आसान नहीं है, इनके हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है इनको। तो ये देखिए गाँठें भी लग चुकी हैं पूरे हॉल के अंदर और पूरे सभी कमरों के अंदर, और मतलब जहाँ तक हमें ऊपर छत बनानी है, वो छत है ना वो एक साथ ही बनती है, अलग अलग नहीं डलती है, अलग अलग डलें तो क्या होता है, जॉइंट रह जाता है, और फिर पानी मतलब ऊपर छत बारिश का पानी आने की संभावना होती है। तो छत एक साथ ही डलेगी, जिस दिन भी डलेगी वो वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो सेटरिंग का काम करने में लगभग इन्होंने 2 से 3 दिन लगा दिए हैं, और ये देखिए इन्होंने बहुत ही मतलब अपने हिसाब से पूरा का काम सेट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये प्लेटें हैं, कुछ इस तरह की प्लेटें आती हैं, आपको पास से दिखा देते हैं। ये देखिए साइज़ इनकी छोटी बड़ी होती है, क्योंकि सेट करने के हिसाब से होता है कि कहाँ पे कौन सी साइज़ की प्लेट यहाँ पे सेट करनी होती है। और ये देखिए बाहर सब लोग आए हुए हैं, तो आपको बाहर से व्यू दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा घर, जो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी मतलब जो है ना नक्शा वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत अच्छा घर बन के रेडी होगा। तो अभी घर का काम प्रोसेसिंग में है, पूरा होगा तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए आपको नीचे से दिखा देते हैं, पूरी सेटरिंग लग चुकी है, ये देखिए आपको आप देख पा रहे होंगे मतलब, और कुछ प्लेटें बाकी रह भी गई हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जगह रह गई, तो वो धीरे धीरे इनको सेट कर देंगे। और यहाँ तक कि मैं कंप्लीट बताना चाहूँ तो लगभग 2 से 3 दिन लगे हुए थे सेटरिंग करने में भी, क्योंकि बहुत बारीक काम होता है और बहुत धीरे भी होता है, इसलिए ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से इन्होंने प्लेटें सेट कर दी हैं। और बस अब क्या हुआ है, अब बस लेंटर डलना बाकी है। चारों तरफ से आप देख सकते हो गैलरी के ऊपर, जो मंदिर था और जो गैलरी थी उसके ऊपर तो इन्होंने पहले ही छत डाल दी थी, वो छत तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, थोड़ी दीवार और डाल के ताकि ऊपर भी कुछ सामान रख सकें, और उसके ऊपर फिर एक छत और डल जाएगी ताकि 2 छत हो जाए, जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर के ऊपर जैसे 2 छत हो जाएगी तो डायरेक्ट मंदिर के ऊपर पैर नहीं रखा जाएगा, मंदिर के ऊपर जगह होगी
तो पैर उस पे रख सकते हैं जैसे छत पे। और यहाँ पे ये देखिए पूरी जो छत है मतलब वो डल चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, जो मतलब छत नहीं प्लेटें लग चुकी हैं पूरे, जहाँ पे भी हमें लगानी है वो पूरी प्लेटें सेट कर दी है इन्होंने। अब क्या करेंगे, प्लेटें लगाने के बाद में इनका एक काम और रह जाता है जो इनका खुद का होता है, वो अब मैं आपको दिखा दूँगी। तो इन्होंने क्या किया, सीमेंट और बजरी का जो शायद सीमेंट का ही है, बजरी तो नहीं मिक्स की इन्होंने। तो ये देखिए इससे जो सीमेंट होती है उसका क्या किया, ये जो जॉइंट होते हैं ना, दो जैसे दो प्लेटें जुड़ती है तो बीच में जॉइंट रहता है ना, तो उनके ऊपर क्या करेंगे, ये सीमेंट को अच्छे से सेट कर देंगे ताकि जॉइंट ना रहे बस, क्योंकि छत बनने में इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। छत ही सबसे मतलब मेन चीज़ होती है, छत अच्छी होनी चाहिए घर की बस, क्योंकि पानी वगैरह ना आना चाहिए, सबसे मेन बात यही होती है। तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और इधर देखिए मतलब जितनी भी इन्होंने प्लेटें तैयार की हैं उनके बीच में जो खाली जगह रह जाती है ना, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, सीमेंट का और मिक्सचर है वो रेडी करके, और सभी लगे हुए हैं, मिस्त्री मजदूर सभी इस काम में लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और अब क्या करेंगे, ये जो सरिया है ना इसके ऊपर ये लगाएंगे, जो प्लेटें हैं उसके ऊपर ये सरिये लगाएंगे, सरियों का मतलब एक जाल बनाएंगे सबसे पहले, वो आपको दिखा देंगे जाल को और कैसे जाल बनाते हैं। और उसके बाद में ये लेंटर डलेगा उसके बाद में। तो ये वीडियो मतलब परसों की है, वैसे तो अपलोड आज कर रही हूँ और अभी लेंटर डल रहा है, तो वो वीडियो भी आपके साथ जल्दी ही आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने सभी प्लेटों के जो जॉइंट थे उनको सबको इन्होंने अच्छे से भर दिया है, खांचों को भर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये चेतना के बड़े पापा खड़े हैं और चेतना के दादाजी भी यहीं पे आए हुए हैं, पापा भी यहीं पे आए हुए हैं और फूफा जी भी यहीं पे आए हुए हैं, मतलब कि घर वाले सभी यहीं पे थे। तो ये देखिए चेतना के दादाजी चारों तरफ से देख रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, करती हूँ दी एंड इस ब्लॉग का, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और कैसी लगी हमारी ये जो नए मकानों की वीडियो है, और आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ओके फ्रेंड्स, करती हूँ दी एंड इस ब्लॉग का, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।